हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे। आज एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए और इंजरी होने के बाद आपको डॉक्टर बोल दे कि अब आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले आपको ये काम करना चाहिए, आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में डेली एक एक घंटा वॉकिंग करना चाहिए। क्योंकि वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक स्टेप चलते हो तो 200 मसल्स उसमें प्रयोग होती है एक स्टेप चलने में। ये मान लो कि 200 स्टेप, मतलब आप एक स्टेप चलते हो तो 200 मसल्स एक्टिव होती है बॉडी की एक कदम चलने में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक घंटा मॉर्निंग में चलो और एक घंटा आप इवनिंग में चलो, डेली चलो, ठीक है ना। लेकिन कई लोगों के जैसे नी लॉक नहीं होते, तो वो कैलिपर पहन के वॉकिंग करो, ठीक है, एक घंटा सुबह एक घंटा शाम को। और जिनको मतलब नी लॉक होते हैं तो एफओ पहन के भी वॉकिंग कर सकते हैं, और जिनको एफओ की जरूरत नहीं होती वो तो नॉर्मली वॉकिंग वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मेरे से एक बात पूछते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे पैर में मूवमेंट ही नहीं है और हम कैलिपर पहन के चलते हैं तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? जी 101% फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब आप कैलिपर पहन के आप जो वॉकिंग करते हो तो आपको मतलब वॉकिंग का स्टेप तो वही होता है, बस अपना नी लॉक और अनलॉक नहीं होता, लेकिन आपको उससे वॉकिंग करने की वही प्रैक्टिस बनी रहती है। इसलिए बोलता हूँ कि आप हमेशा कैलिपर पहन के भी वॉकिंग करो अगर आपके नी लॉक नहीं होते। उसमें क्या होता है कि जब आप कैलिपर पहन के वॉकिंग करोगे ना, तो आपकी जो कमर में लचक होती है ना, लेफ्ट राइट वाली, वो भी आपके बैलेंस में रहेगी और उसमें भी आपके पावर आएगा। दूसरी बात यह है कि जब आपके मतलब आप चलोगे ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपका बॉडी बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। एक तो स्टैंडिंग बैलेंस भी परफेक्ट हो जाएगा, और एक जब आप वॉकिंग करोगे ना, तो आपको आगे कितना झुकना है, पीछे कितना झुकना है, उसका भी आपको अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएगा, उसमें भी आपके मतलब पावर आ जाएगा, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप कैलिपर पहन के वॉकिंग करते हो ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपके मान लो नी लॉक हो जाते हैं, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करोगे 3 या 4-5 महीने एक्सरसाइज करते हो, तो मेरे हिसाब से आपके नी लॉक होने लग जाते हैं, ठीक है ना। नी लॉक होने के बाद क्या होता है कि जब आप चलते हो ना नी लॉक के, तो आपको मतलब जैसे आप पैर आगे बढ़ाते हो ना, तो वो लॉक होने के बाद वापस पैर अनलॉक होता है, तो फिर वो लॉक होता है तो उसमें तकलीफ आती है, क्योंकि वो आप वॉकिंग की प्रैक्टिस नहीं रहती। अगर आप कैलिपर पहन के प्रैक्टिस करते हो मतलब, तो आपका नी लॉक होने के बाद आप तुरंत चलने लग जाते हो। लेकिन कई लोगों का क्या होता है कि वो स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर मतलब स्टैंडिंग एक्सरसाइज करके नी लॉक तो कर लेते हैं, लेकिन नी लॉक होने के बाद उनका स्टेप आगे नहीं बढ़ पाता, वो पैर आगे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये वो वॉकिंग नहीं करते, वो ना तो कैलिपर से चलते हैं, ना कोई मतलब कैलिपर से चलते नहीं है, या नी ब्रेस्ट पहन के भी वो कभी वॉकिंग नहीं करते। इससे क्या होता है, उनके नी लॉक तो होने लग जाते हैं लेकिन वो वॉकिंग नहीं कर सकते। इसलिए भी अपन को वॉकिंग करना जरूरी है कैलिपर पहन के। और जिनके नी लॉक होते हैं और वॉकिंग कर लेते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आपके पैरों में इम्प्रूवमेंट हो या ना हो, अगर इम्प्रूवमेंट है और आपके नी लॉक हो रहे हैं, तो आप ऐसे एफओ पहन के वॉकिंग कर सकते हो। और अगर आपके मतलब नी लॉक नहीं हो रहे, तो आप कैलिपर पहन के वॉकिंग करो डेली, एक घंटा मॉर्निंग में और एक घंटा इवनिंग में, ठीक है ना। वॉकिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी करो, एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, लेकिन वॉकिंग करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप वॉकिंग भी करो और एक्सरसाइज भी करो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी रिकवरी भी मिलेगी इससे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।